मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ विधायक शशांक भार्गव ने नवजात बच्चों को दवा पिलाकर किया। बता दें कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों की चपेट में आने से बचाना है। अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने नवजात शिशु और हाल ही में जन्मे बच्चों को दवा पिलाकर की। कार्यक्रम के दौरान विधायक शशांक भार्गव, प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर के एस अहिरवार, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे मौजूद रहे। बाइट डॉक्टर के एस अहिरवार, प्रभारी सीएमएचओ विदिशा। सघन मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण जिनका इनॉग्रेशन झांसी के हमारे माननीय सम्मान विधायक शशांक भार्गव जी विदिशा द्वारा किया गया, इसका आज जो है 739 सेशन लगेंगे पूरे एक सप्ताह में। इसमें 3239 जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चे और 942 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा हुआ है। पूरे जिले के 7 विकास खंड में कार्यक्रम होगा। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि इसमें प्रचार प्रसार उसके माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से जो बच्चे ड्यू हैं उनको टीकाकृत किया जाएगा। जेएसआर टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।